हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज आलू कट बनाते हैं। आलू कट बनाना बहुत आसान है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि आलू कट बनाना है तो मैंने आलू ले रखा है बहुत सारा। आप कह सकते हैं कि मैंने 6 आलू लिए हैं। 6 आलू को बॉयल करके मैंने पीसेस में कट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इधर ले रखी हूँ टमाटर ले रखी हूँ। 1 टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अनार के दाने हैं कुछ, 2 छोटे प्याज को मैं बारीक काट ली हूँ। सेब है ऊपर से लगाने के लिए, डालने के लिए। ये इमली का पानी है, ये ऑप्शनल है। इमली के पानी की जगह पर आप नींबू भी डाल सकते हैं। और ये मटर, मैंने मटर को थोड़ा स्टीम कर लिया है। इधर धनिया है बारीक कटा हुआ है, 3-4 मिर्ची है पतला बारीक बारीक कटा हुआ है। ये काला नमक है और ये मेरा सीक्रेट मसाला है। जैसा मैंने नींबू बताया था कि आप नींबू भी डाल सकते हैं और इमली भी डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने नींबू भी ले रखा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो मैंने आलू को बॉईल करके पीसेस में कट कर रखा है, बस अब इसमें डालना है मुझे बारीक कटा हुआ टमाटर है, मैंने जो स्टीम कर रखा था मटर। उसके बाद चॉप अनियन, धनिया, ये हरी मिर्च सब मैं डाल देती हूँ इसमें। बहुत इजी है बनाना। और ये मेरा सीक्रेट मसाला, इसका डिस्क्रिप्शन मेरे बॉक्स में डाला हुआ है, लिंक में डाला हुआ, आप उसको खोल कर देख सकते हैं। और ये नमक स्वाद अनुसार आप दीजिए, काला नमक देना है क्योंकि काला नमक से स्वाद ज़्यादा आता है। पानी मैं डाल देती हूँ, इमली का पानी, इमली कम होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा जूसी जूसी ये दिखे। इस तरह से हम लोग को मिक्स कर देना है। अनार दाने और सेब बाद में डालना है सर्व करते वक्त। हो गया है, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है पूरी तरह से। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। एक प्लेट लेकर के इसमें मैं डालती हूँ। मार्केट में तो दोना बना करके देता है, उसमें ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, बट मैं घर में बना रही हूँ इसीलिए मैं प्लेट में आपको दिखा रही हूँ। ऐसे मार्केट में दोना बना करके पत्ते के दोने में बहुत सुंदर से देता है लोग, लेकिन टेस्ट यकीन मानिए कि वही वाली आएगी। बस प्लेट है दोने की जगह पर।